फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुप्रिया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम फ्रोज़न पनीर कटलेट की रेसिपी को सीखते हैं, तो आई अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम इस फ्रोज़न पनीर कटलेट की रेसिपी को सीखेंगे। ये कटलेट आप बनाकर अपने फ्रिज में 4 से 5 दिन तक फ्रीज़र में रख कर प्रिजर्व करके आप रख सकते हैं, और कोई भी मेहमान, कोई भी गेस्ट आए तो आप इसे बना। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, और इस पनीर को हम स्लाइस में कट करेंगे। जिस शेप का चाहिए आप उस शेप का कट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए, पतला ना करें कि टूट जाए, थोड़ा सा मोटा काटें। तो ऐसे ही हम अपने सारे पनीर को कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने पनीर को कट कर लिया है इस शेप से, और इसको हम फ्रिज में अभी रख देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है कॉर्नफ्लेक्स, नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स है, कोई भी इसमें फ्लेवर एडिड नहीं है। ये कॉर्नफ्लेक्स लेंगे, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स को ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसी के साथ ले लिया है मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स, ये नॉर्मल ब्रेड है, इसको मैंने क्रम्प कर लिया है, ये मैंने ले लिया है। हमें यहाँ पे एक घोल तैयार करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैदा, ओरिगैनो, हर्ब्स आपके पास जो भी है आप इसमें डाल सकते हो, ड्राई जिंजर पाउडर, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सॉल्ट एज पर टेस्ट। सभी को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। आप इसमें चाहो तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसे अवॉइड कर रही हूँ। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक पतला सा घोल बना लेंगे, और वो बिल्कुल पतला घोल हमें तैयार करना है। ये देख सकते हैं आप, हमारा घोल एकदम रेडी है, जो बहुत ही अच्छा बन गया है। इसे हम, इसमें एक भी किसी तरह का कोई लम्स ना हो, इससे अच्छे से हमें घोल लेना है, ताकि अच्छे से हम मिक्स कर लें, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। तो फ्रेंड्स, ये अपना एक पनीर का टुकड़ा लेकर इसे हम अच्छे से इस घोल में चारों तरफ ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे हमारे ये कॉर्नफ्लेक्स से, फिर एक्स्ट्रा जो है वो हम निकाल देंगे, फिर हम इस घोल में इसे डिप करेंगे, और उसके बाद हम फिर इसे ब्रेड क्रम में। तो ऐसे ही करते हुए अच्छे से हम इसके चारों तरफ एक ब्रेड क्रम की कोटिंग कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे रोल करते हुए ये हमारा एक कोट तैयार हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह हमें अपने सारे कटलेट को, पनीर के कटलेट को हमें तैयार करना है। तो हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा फ्रोज़न पनीर कटलेट बनकर तैयार है, और इसे आप फ्रिजर में रख कर 4 से 5 दिन तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने गेस्ट के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं, और इसका टेस्ट बहुत ही यम है। फ्रेंड्स, मैं इसे बनाया है, ये बिल्कुल टेस्टेड है और ये बहुत ही यम्मी है। तो आप भी इसे बनाएं, अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने फ्राई होने के बाद ये बिल्कुल माँ के जैसा ही कटलेट लगता है। आपके फ्रेंड्स अगर इसे खाएंगे तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये घर का बना हुआ है। तो ये देखिए, मैंने इसे फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये मार्केट का नहीं है। ये हेल्दी और डिलीशियस पनीर कटलेट बनकर रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।